सुनी, सब 9 लोगों ने गाना भी किया, लोगों ने ओके ओके, लोगों ने बहुत सारे हाथ भी उठाए हैं। तो संतोष जी आप देख रहे हैं बहुत सारी जनता है। अब मैं एक और सवाल इस पे ऐड करता हूँ, फिर संतोष जी से नेक्स्ट सवाल लेंगे कि आप लोगों ने जो एक ज्वाइनिंग किया, कितने लोगों ने एक ज्वाइनिंग करके कम से कम एक ज्वाइनिंग को एक्टिवेट किया, मतलब 50 PB या 100 PB करवाया, वो बताइए। एक्टिवेशन की बात कर रहा हूं। दीपक जी लिख रहे यस किया है, एक्टिवेशन ज्वाइनिंग तो हो गई, अब एक्टिवेशन पे आते हैं। यस यस, दो को किया आपने एक्टिवेट, एक को अभी एक्टिवेशन की बात हो रही है, ज्वाइनिंग करके वन एक्टिव, वेरी गुड। तीन यस, दो मैं 100 PV, वन प्लस एक्टिवेशन 50 PV, वन को टू मी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संतोष जी ये सारे लोग जो हैं जिन्होंने मान लीजिए ज्वाइनिंग किया, किसी ने दो किया, किसी ने चार भी किया, कहीं पे सात भी देखा, किसी हाईएस्ट 11 देखा मैंने, और कुछ लोगों ने एक्टिवेट भी किया, आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे बताइए इनके लिए, कि अब इनका रोल मैप, क्योंकि हम मेपा पे बात कर रहे हैं, तो इनका क्या काम होना चाहिए इस महीने में? आज 22 तारीख है, कल संडे है, फिर 24-25 दो दिन की क्लोजिंग रह जाएगी, 26 तारीख ऐसी छुट्टी है, राष्ट्रीय छुट्टी है, और फिर महीना क्लोज होने की ओर जाएंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें करना क्या चाहिए अगले 3-4 दिन में? पंकज जी एक ही चीज बताऊंगा, जितने लोगों ने स्पॉन्सरिंग किया तो मैं तो उनको बहुत बड़ा बधाई दूंगा, क्यों उन्होंने कुछ ना कुछ हरकत किया और उसका बरकत उनको मिला है, उनका बेनिफिट भी मिलेगा पंकज जी। तो पहला चीज है, आज हम लोग जो स्पॉन्सरिंग किए तो पहला हमारा जो रोल होना चाहिए आज ऑफलाइन, तो आपको अपनी टीम को, आपने जो न्यू स्पॉन्सर आपने किया है उनको गाइड करना चाहिए इस बिजनेस में वो क्यों आए हैं और इनके क्या बेनिफिट हो सकता है। और पंकज जी जो बेनिफिट्स है आपको पता है, जैसे आपको न्यू ज्वाइनीज हैं तो उनके लिए अभी भी रिपर्चेज है तो रिपर्चेज का बेनिफिट पंकज जी दे सकते हैं। उसके साथ साथ उनको बताइए हमारा जो हाई बीवी स्ट्रेटेजी है, जो हमारा कुकू एयर प्यूरिफायर, अभी जो पंकज जी आपने बहुत सारा सवाल ले रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, तो इसका सब लोगों ने कम से कम बहुत अच्छा बीवी ले सकते हैं, उसके अंदर इंटेलेक्टिव भी ले सकते हैं पंकज जी। तीसरे जो सबसे बड़ा चीज पंकज जी, हमारा 25 तारीख का क्लोजिंग जो लॉयल्टी होता है पंकज जी, देखिए लॉयल्टी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है पंकज जी आपके बिजनेस में ना एक रफ्तार लाता है और आपके रिटेंशन बढ़ाती है और आपका जो पीजीबी भी हो या आपके ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो ये बढ़ाने के लिए मदद करता है, तो तीसरा चीज है। चौथा चीज है पंकज जी, आपको पता होगा इस महीने की क्लोजिंग को हमको बेहतरीन करना है, जो भी हमारे ऑनगोइंग ऑफर चल रहे हैं, जैसे आपको पता होगा पंकज जी हमारा एक्टिविटी में ऑफर है, हमारा जो इन्वारो चिप और इन्वारो ग्रो में ऑफर है, हमारा अर्बन कलर पर प्रोडक्ट्स में ऑफर है, तो हम हर चीज को क्लब करें। तो आज ऑफलाइन मेरा एक ही काम होनी चाहिए, मैं अपने टीम को सही तरीके से गाइड करूं। पंकज जी पता होगा जो नए लोग आते हैं तो इस बिजनेस में उनको ABCD पता नहीं होता है, तो उनको सही तरीके से गाइड करिए, उनको सही तरीके से दिशा दिखाइए, उनकी गोल सेट करिए, और मुझे लगता है कि हमारा जो FSP प्रोग्राम पंकज जी है उसके अंदर लोगों को लेके आइए, क्योंकि फास्ट 10% करवाते हैं तो कंपनी की तरफ से उनको 800 रुपए प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और मान लेते हैं बहुत सारे मैंने देख रहा था कि 3 से भी ज्यादा स्पॉन्सरिंग लोग किए हैं, तो उनको भी बोलिए कि 10% वो भी करें और आपको मोदी की तरफ से तकरीबन 1000 रुपए का प्रोडक्ट आसपास आपको फ्री मिल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है पंकज जी, हमको इस चीज को जरूर फोकस भी करनी चाहिए और इसके ऊपर काम भी करने चाहिए, क्योंकि अभी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास 22 तारीख हो चुकी है, हमारे पास समय भी कम है और अभी इसी चीज के ऊपर हम काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो सकता है और इस महीने को हम अच्छी तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं पंकज जी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है संतोष जी। अच्छा संतोष जी एक सवाल है, आपने बड़ा अच्छा चीज तो छेड़ा और मैं भी कल भी बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहा था और आज भी 11 बजे सेशन है, 3 बजे सेशन है, तो संतोष जी एक चीज जानना चाहूंगा कि आप क्या अभी सजेस्ट करेंगे कि हमें फील्ड में पागलों की तरह अभी भागना चाहिए, पागल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम मंथ एंड में है, या हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करके इस वक्त अपने रिव्यू मोड में रहना चाहिए, टीम के साथ बात करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कितने लोगों ने स्पॉन्सरिंग किया, एक्टिवेशन कितना हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, फील्ड एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए या हमारे पास जो बना बनाया आ चुका है, जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो चीजें हो चुकी है, हम उनको लेकर आगे बढ़े, क्या करना चाहिए? नहीं पंकज जी आपने सही चीज बताया, देखिए अभी क्लोजिंग समय है और क्लोजिंग में सबसे ज्यादा होता है ना सही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करनी चाहिए, सही रणनीति के साथ काम करनी चाहिए, तो हमारा अभी मकसद यही होनी चाहिए, जितना चीज मैंने कर चुका है ऑलरेडी, मैं एक्टिविटी कर चुका हूँ, फिजिकल मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग ऑलरेडी मैं कर ही रहा, उसको जरूर करिए, उसको कैंसिल मत करिए, लेकिन जो आपने स्पॉन्सरिंग किया है या अपने टीम मेंबर को आप जूम में बुलाइए, उनकी काउंसलिंग करिए, काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि उनकी जो लॉयल्टीज, जितने लोग उनके टीम में हैं, क्या सब लोगों ने लॉयल्टी कर चुके हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो मिस होने के बाद बोलते हैं सर मेरा मिस हो गया, मेरा टीम में करवा दीजिए, ये होना नहीं चाहिए। एक्चुअली इसलिए होती है, आज ऑफलाइन हमारे भी कुछ जिम्मेदारी होती है, आप अपने टीम को सही तरह से गाइड करिए
कि देखिए 25 तारीख लॉयल्टी डेट है और बार बार रिमाइंड डालिए आपके ग्रुप्स में। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको कभी कभी उनके दिमाग में हट जाता है कि 25 तारीख को लॉयल्टी क्लोजिंग है। पंकज जी आपको भी और मुझे भी कॉल आता है 25 तारीख से खत्म हो जाता है, 26-27 तारीख कॉल है सर मेरा लॉयल्टी छूट गया। तो ये होना नहीं चाहिए दोस्तों। देखिए छोटे छोटे चीज में ना बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है। लोग सोचते हैं यार एक बंदा मिस हो गया तो क्या दिक्कत हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखिएगा आपके टीम में 1000 लोग हैं और एक एक बंदा आपके टीम में मिस हो जाती है, ऐसा करके 100-200 लोग चले जाएंगे और 100-200 लोग का मतलब आप पता होगा आप 4-5 लाख का मतलब आपका बहुत बड़ा झटका लग सकता है, आपकी पीवी मिस हो सकती है पंकज जी। तो मुझे मैं यही चीज बताऊंगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते सोचते हैं शायद मैं तो अभी प्लैटिनम बन गया, मैं अभी पीडी बन गया, मैं अभी जीबीडी बन गया, मैं आरबीडी बन गया, शायद मुझे स्पॉन्सरिंग साथ जाएंगे जरूर, तभी ग्रो करेंगे। आपसे वो लर्निंग करना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर होने चाहते हैं कि आज जीबीडी आज आरबीडी आप भी स्पॉन्सरिंग करोगे ना आपका टीम देखेगा यार इसको इतना पैसा आता है फिर भी स्पॉन्सरिंग करता है, हमको भी करनी चाहिए। तो ये क्या होती है ना टीम गेम होती है, विन विन सिचुएशंस होती है पंकज जी, इसको लेके हमको चलनी चाहिए और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। बिल्कुल 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 इसमें मैं सहमत हूं कि आपने एकदम और स्पॉन्सरिंग बिजनेस का फेल है, और जैसा कि यहां पे झाजी ने भी बोला कि ब्लड सप्लाई की तरह होता है, करेक्ट, मैं एग्री करता हूं कि हमें भूलना नहीं है। जैसे साहब बिल्कुल मैं एग्जांपल दूंगा दोस्तों यहां पे थोड़ा सा पॉज करके कि आप देखिए बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं जाते हैं रन बनाते हैं हम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे जहन में आ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर उनकी भूख देखिए 24 साल में कभी रन बनाने के लिए कम नहीं हुई, एंड दैट्स व्हाई उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए हर रोल में फिट बैठते हैं, हर रोल में वो जाते हैं, जो भी आप उनको दीजिए। यानी कि आप जिस लेवल पे भी जाएं आपको स्पॉन्सरिंग करना ही करना है और स्पॉन्सरिंग आपके बिजनेस में। जैसे आप ये किसी ने लिखा कि हम दोनों काम करेंगे, वेरी गुड, कोई रुकावट नहीं है। अगर आप टीम को भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोगों के पास रेडीमेड फॉर्मेट आ चुका होगा, अब उनको लेकर आप रिव्यू कीजिए। और अगर कोई फील्ड में जाए फील्ड में रुकावट तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल हम लोगों ने नहीं कहा कि फील्ड में नहीं जाना, फील्ड में जाइए, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि 26 तारीख को आपके डाउनलाइन में किसी का लॉयल्टी छूट ना जाए, क्योंकि आज से बोला जा रहा है 4 दिन है। अब 25 तारीख को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको आज ही कर लेना चाहिए लॉयल्टी, तो ये आपका फोकस होना चाहिए। एक और सवाल है संतोष जी, मैंने तो एयर प्यूरीफायर भी बहुत सारे सवाल पूछ लिए, न्यू ज्वाइनिंग भी मैंने इलुबरेट कर दिया, अगर मैं ये दोनों को मर्ज करूं इस महीना में, चूंकि एयर प्यूरीफायर पे एक धमाकेदार ऑफर है 10% एक्स्ट्रा बीबी प्लस इंटेल एक्टे और एमजेपी ऑफर भी चल रहा है, तो अगर मैं एक न्यू ज्वाइनिंग हूं फायर खरीदा या जो कि अगले 3-4 दिन में, मुझे क्या क्या फायदा होगा थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। तो पहला चीज तो पंकज जी सबसे बड़ा धमाका हो जाएगा, आप डायरेक्ट 10% में चले जाओगे। दूसरा चीज है पंकज जी आपको 60% बीबी तो मिल ही रहा है उसमें, उसके साथ आपको इंटेलेक्ट भी फ्री मिल जाएगा पंकज जी, उसके साथ एफएसपी जो हम लोग का फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम पंकज जी है उसका भी बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पीजीबीबी को आएगा तो आपका एपीबी इनकम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप 7% होते वैसे ज्वाइनिंग करते तो, लेकिन आप डायरेक्ट उछाल मार रहे हैं 10% में, तो उसमें क्या होगा तकरीबन 1000 रुपए का आपको मिल जाएंगे, मोदी का से एपीबी इनकम मिल जाएगा पंकज जी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट पंकज जी हो सकता है आज न्यू ज्वाइनिंग मेरे साथ, ये चीज को लेके मैं चलता हूँ, एपीबी को लेके चलता हूँ, मल्टीपल बेनिफिट है पंकज जी, इसका हम जरूर फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर आपने एकदम सही चीज बोला। और एक सवाल है सर और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए हम जनवरी को इतना स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना कि जनवरी में अगर हमने एक मैदान तैयार कर लिया तो फरवरी मार्च में फायदा मिलने वाला है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जनवरी की ज्वाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमको फरवरी मार्च में कैसे मदद करेगा? संतोष पंकज देखिए न्यू ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो है ना ये 3 महीने का प्रोग्राम है और ये पता है पंकज जी ये साल का लास्ट क्वार्टर है, राइट, और ये जनवरी महीने को हम सही तरीके से ड्राइव करते हैं और स्पॉन्सरिंग बढ़ाते हैं पंकज जी, यही चीज हमारा टीम के अंदर मोमेंटम आएगा, रिटेंशन बढ़ेंगे। और जैसे हम बात करें कि आप चाहते हो कि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा एलपी भी ले गए तो आपको न्यू ज्वाइनिंग के साथ एपी के साथ और इसको लेके हम लोग वॉल्यूम को ड्राइव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो एलपी भी इनकम है वो जरूर अच्छा हो सकता है और बहुत बड़ा जनवरी मंथ, क्योंकि देखिए साल का पहला मंथ है और साल की पहली मंथ में हम सही रणनीति के साथ इसको फोकस करते हैं और क्लोज करते हैं पंकज जी, मुझे लगता है कि इसका हम लोग जरूर इसका जो आउटपुट होगा जो इसकी बेनिफिट होगा हमको जरूर मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल संतोष सर, तो आपने लगभग लगभग चीज लिया, जनवरी को बेस मान लीजिए दोस्तों, और जनवरी अगर बेस के तौर पे आपका अच्छा होगा तो बिलीव मी आपका फरवरी मार्च आपके पास एक रेडीमेड कहते हैं ना तैयार चीजें मिलेंगी और आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो लास्ट मैं कहूंगा संतोष जी, फाइनल मैसेज हमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लीडर्स को? मैं ये संदेश देना चाहूंगा जो ऑलरेडी मैं पंकज जी बता चुका हूँ, अपने टीम से बात करिए, उनको बताइए, बार बार रिमाइंडर डालिए, क्योंकि रिमाइंडर डालेंगे तो आपके जो क्लोजिंग है वो जरूर जल्दी हो सकता है क्लोज, क्योंकि 25 तारीख को कोई वेट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है पंकज जी 25 तारीख को जो होता है ना सर्वर में आपको कभी कभी इतना ज्यादा लोड, हेवी लोड हो जाती है जिसके कारण बिलिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे का लॉयल्टी मिस हो जाता है। तो मैं सबसे यही बताऊंगा कि अभी 25 तारीख को वेट मत करिए, आज 22 तारीख हो चुकी है, आपके हाथ में 2 दिन लेके चलिए आप, कि आपके हाथ में 2 दिन है और 2 दिन के अंदर आप अपना लॉयल्टी को क्लोज जरूर कराइए और खुद भी करिए, आप नहीं किए होंगे। उसके साथ साथ देखिए जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है, जैसे आपका पंकज जी न्यू जॉइनिंग प्रोग्राम से इसका बेनिफिट हम लोग को पता है, एपी का जो प्रोग्राम्स है जो बेनिफिट है ऑफर्स है इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। उसके साथ साथ पंकज जी और एक चीज भूलना भी नहीं चाहिए, देखिए हम लोग तो न्यू जॉइनिंग लेके आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा जिस जगह से आप न्यू जॉइनिंग आप लेके आ रहे हो क्या वहां पे डीपीज है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पंकज जी, इसके ऊपर हम बहुत सारा चर्चा किए हैं, बहुत सारा हम लोगों ने सेशंस लिया है, क्योंकि यहाँ ना लाइफ लाइन पंकज, और डीपीज होगा जो आपने न्यू जॉइनिंग लेके आए होंगे उसकी रिटेंशन रिटेंशन बढ़ाने के लिए आपको ये मदद करेगा, क्योंकि वो बार बार जाएगा डीपीज में परचेज करेगा, जिससे क्या होगा वो एक ही बंदे को आपने स्पॉन्सरिंग किया होगा लेकिन वो बंदा वहां पे रह के, वहां पे डीपीज है आपने और भी ज्वाइनिंग्स बढ़ाएगा, वो भी स्पॉन्सरिंग करेगा जिसमें रिटेंशन बढ़ सकते हैं। इसका मतलब डीपीज को पंकज जी कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का हमारा बैकबोन है और आपको मोदी कर में सक्सेस होना है, बड़ा काम करना है तो आपको क्या करने चाहिए, आपकी बिजनेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हर जगह में पहुंचने के लिए डीपीज को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का हमारा क्या है लाइफ लाइन है पंकज जी। ये तीसरा चीज है। उसके साथ पंकज जी मैं बात करूंगा कि मंथ एंड में बहुत सारे ऑफर्स आपके क्लोज हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर ऑफर, उसके साथ हमारा मोदी केयर का जो राम दरबार का ऑफर है, दुर्गा पेंडेंट गणेश पेंडेंट का ऑफर है, उसके साथ साथ आपने जो अर्बन कलर का ऑफर है, इन्वारो चीप इन्वार ग्रुप का ऑफर है। मैं बात करूं कल हम लोगों ने सेशंस किया था, लोग शायद सोचते हैं कि बार बार सेशंस होते लोग अटेंडेंस कम हो जाती है, मैं आपको यही चीज बताऊंगा जो हमारा इन्वारो चीप इन्वार ग्रुप ना ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसमें 60% आपको बीबी कंपनी देती है, उसमें ऑफर भी आपको मिल जाता है। देखिए ये चीज को कभी भूलना नहीं है, मान लो आपने सुन लिया, ऐसा नहीं है कि आपको सुनना नहीं है, देखिए कोई भी चीज ना बार बार करते हैं लगातार करते हैं तभी इसका क्या होती है ना, इसका आपकी आउटकम बहुत बेहतरीन होती है। तो मैं यही बताऊंगा जब भी हमारे इन्वारो चीप इन्वारो ग्लोब का आपको ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती हैं, आप अपने न्यू जॉइनर्स को लेके आइए, आपको प्रोस्पेक्ट को लेके आइए, कभी कभी आप उनको बता नहीं पाते होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिससे क्या होगा, मान लीजिए आपने 10 लोग को लेके आया उसमें एक बंदा भी जान जाता कि इन्वारो चीप क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, इन्वारो क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, आप सोचिए कितना बड़ा बीवी आ सकती है। देखिए छोटे छोटे चीज से ना बहुत बड़ी कारनामे होते रहते हैं, तो इस चीज को जरूर हमको फोकस करनी चाहिए पंकज जी, और जो भी ऑफर्स है इसको क्लब करिए, प्लान के साथ क्लब करिए, जिससे हम करते हैं बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं पंकज जी। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों आज के सेशन में जो हमारा टारगेट था वो एनजेपी और एपी है, और अभी पूरा महीना में भी ये टारगेट है, आप लोगों का भी टारगेट होना चाहिए कि न्यू ज्वाइनिंग अगर आया उनको एक्टिवेट कीजिए। आप सबने बहुत अच्छे साथ पार्टिसिपेट किया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, नंबर 1। नंबर 2 जो संतोष जी ने बताया कि ऑफर का फायदा कैसे ले सकते हैं, नंबर 3 ये कि देखिए हर चीज पे सेशन हो रही है, सुबह का सेशन तो आपको पता है 3 दिन सप्ताह में होता है परिवर्तन, आज परिवर्तन है ज्वाइंट परिवर्तन है, एक्चुअली मैं 11 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, संतोष जी करेंगे, मैंने आईडी डाल दिया, यही आईडी है बिहार झारखंड उड़ीसा वेस्टर्न उड़ीसा जो भी है आप इस आईडी पे जुड़ जाइएगा, 11 बजे आईडी पासवर्ड।